नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्ती से ये साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार में शामिल कोई भी अपराधी सजा से नहीं बच पाएगा। बता दें कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्ती का असर दिखाई भी देने लगा है। मोदी की इस कार्रवाई के चलते देश विदेश में छिपे भ्रष्टाचारियों की शामत आ गई है। बता दें कि अब तक मोदी सरकार अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल समेत 11 भगोड़े अपराधियों को भारत लाने में सफल रही है। मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि दिल्ली पुलिस भगोड़े सट्टेबाज संजीव चावला को ब्रिटेन से भारत लाने में कामयाब रही। बता दें कि सट्टेबाज संजीव चावला साल 2000 के क्रिकेट मैच फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल था। मामला दर्ज होने के 20 साल बाद उसे भारत लाया जा चुका है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही थी। 16 जनवरी को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। ब्रिटेन के गृह मंत्री के हस्ताक्षर के बाद चावला को महज 28 दिनों के अंदर ही भारत वापस लाया गया है। बता दें कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद से विजय माल्या के हाथ पैर फूल गए हैं और उसे भी अब समझ आ गया है कि वो भारत की कार्रवाई से चाहे जितने लूप होल ढूंढ ले, लेकिन वो बच नहीं सकता है। माल्या को भी अब भारत की जेल का डर सताने लगा है। इसी कड़ी में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से अपील की है कि कर्ज की धनराशि उससे वापस ले ली जाए। बता दें कि भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अपनी अपील पर सुनवाई के दौरान माल्या ने कहा कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय उसके साथ जो कर रहा है वो अनुचित है। अब आप समझ ही सकते हैं कि जो खुद भारत से 9000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत से लंदन भाग गया हो, वो अनुचित और उचित का प्रश्न खड़ा कर रहा है। बता दें कि माल्या भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अपनी अपील पर सुनवाई के दौरान लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा था। सुनवाई के दौरान माल्या ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर भारतीय बैंकों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कर्ज की 100% मूल राशि तुरंत वापस ले लें। हालांकि सिर्फ मूल राशि चुका कर माल्या बच नहीं सकता है, क्योंकि माल्या के इस लोन का ब्याज भी काफी ज्यादा हो चुका है। बता दें कि माल्या ने अपनी कंपनी के लिए भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और लोन लेने के बाद उसे नहीं चुकाया और 2016 में भारत से फरार हो गया। माल्या को भारत प्रत्यर्पण करने के मामले पर दो जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। माल्या फिलहाल प्रत्यर्पण वारंट को लेकर जमानत पर है। बता दें कि मोदी सरकार में साल 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून को मंजूरी दी जा चुकी है। इस कानून के तहत भारत की कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम कसने का काम किया जाता है। इस कानून के तहत भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के अधिकार सरकार को मिल जाते हैं। और तो और, इस कानून में ये प्रावधान भी है कि आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों की देश में और विदेश में सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इसी तरह से मोदी सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के घोटालेबाज मामा भांजे की जोड़ी पर भी शिकंजा कस लिया है। इसमें मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, तो वही नीरव मोदी के सारे अकाउंट्स को सीज किया जा चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें।